सेंटर ऑफ मास के अंदर रूल नंबर वन, अगर आपके पास पार्टिकल है एम वन एम टू एम थ्री जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालने का ये तरीका। कोई प्रूफ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला ये आपने सुना हुआ है तो कोई प्रूफ नहीं करना। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपका पहला पार्टिकल एम वन की वेलोसिटी वेक्टर वी वन वेक्टर है और एम टू का वेलोसिटी वेक्टर वी टू वेक्टर है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, एम वन वी वन वेक्टर एम टू वी टू वेक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू। दूसरा फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास एक पोजीशन वेक्टर आर वन वेक्टर है दूसरे का आर टू वेक्टर है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर एम वन आर वन वेक्टर एम टू आर टू वेक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसके बाद जैसे क्वेश्चन है इसी को और मॉडिफाई करके ये हमने कर ही लिया कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू ऐसी एम वन वाई वन एम टू वाई टू। फॉर एग्जाम्पल आपको दो मास गिवन है एम वन एम टू, आपको एक्स वन एक्स टू गिवन है वाई वन वाई टू गिवन है। सेंटर ऑफ मास के अंदर आप एम वन एम टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पुट करके एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। तो सिंपल है, आपको एम वन एम टू गिवन है, आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर पोजिशन वैक्टर्स गिवन है, तो पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएं एम वन आर वन वैक्टर एम टू आर टू वैक्टर बाई एम वन प्लस एम टू, सॉल्व करके आई कैप जे कैप में आर सेंटर ऑफ मास वैक्टर। ये भी क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में गिवन है एच सी एल मॉलिक्यूल, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आपको ये गिवन है कि कोई एच सी एल मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में दूरी 1.27 एंगस्ट्रॉम है, और क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन का मास अगर m है, क्लोरीन का मास 35.5 टाइम्स हाइड्रोजन का मास है m। तो मुझे पता है एक मास ज़्यादा है एक कम है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं रहेगा, सेंटर से थोड़ा राइट की तरफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन है, तो आप एक काम करें, मान लो यहाँ मिलेगा और ये ओरिजिन मान लें, अगर ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, अगर ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0.0, टोटल डिस्टेंस 1.27 है तो इसका कोऑर्डिनेट 1.27.0 और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मान लो x.0। अब आपको क्या गिवन है, m1 m2 x1 x2 y1 y2, तो आप x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएं, आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, एक मास और दूसरा मास गिवन है, एक का x कोऑर्डिनेट 0 और दूसरे का x कोऑर्डिनेट 1.27, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मेथड क्लियर है। इसी टाइप में अगर मान लो तीन स्फेयर्स हैं, तीन बॉल्स हैं, तीनों बॉल्स ऐसे रखे हुए एक एक के साथ एक, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्योंकि स्फेयर पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्फेयर का सेंटर ऑफ मास स्फेयर के सेंटर पे, दूसरे स्फेयर का दूसरे सेंटर पे, तीसरा तीसरे सेंटर पे, मुझे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो तीनों बॉल्स का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। तो एक काम करेंगे, आप इसके सेंटर को ओरिजिन मान लें, ओरिजिन मान के ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0.0, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा एक्स एक्सिस पे 2r.0, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये r है तो एक्स एक्सिस से दूरी क्या है r है, ये r है तो r है, वाई एक्सिस की दूरी कैसे निकलेगी इस ट्राइंगल में, साइन 60 y/2r, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 2r, तो y/2r से y क्या आएगा रूट 3r। अब आपको क्या पता लग गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मासेस तीनों बराबर हैं, तो पुट कर लेना, पहले x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना फिर y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट समझ में आ रहे हैं कि ओरिजिन मान के कैसे करना है इसमें, ठीक। अब इन टाइप की प्रॉब्लम में जो मैंने अभी ली, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर ये जरूरी नहीं होता किसी क्वेश्चन में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास तीन किस्म से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पहला लेंथ वाइज, तो अगर मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम डेंसिटी को लैम्डा यूज करते हैं, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ इज लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। अगर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास अपॉन एरिया, तो डेंसिटी को क्या बोलते हैं सिग्मा, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी मास डेंसिटी, और ऐसी अगर वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो मास बाय वॉल्यूम। तो तीन किस्म की डेंसिटीज है। जैसे क्वेश्चन है एक स्क्वायर शीट है और एक डिस्क है, दो इसका डायमीटर एल है, इसकी लेंथ एल है, और सिग्मा गिवन है दोनों के लिए सेम है,
सिग्मा का मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, तो आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। इमेजिन कर लें स्क्वायर का सेंटर 0.0, तो क्योंकि ये लेंथ एल है तो आधी कितनी है एल बाई टू, रेडियस एल बाई टू, तो एक्स एक्सिस में ये टोटल एल बाई टू प्लस एल बाई टू कोऑर्डिनेट क्या बनेगा एल, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा जीरो, कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका मास क्या होगा, इसका एरिया क्या है एल स्क्वायर, मास तो गिवन नहीं है, तो आप सिग्मा को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। क्यों, सिग्मा का मतलब क्या है मास पर यूनिट एरिया, को एरिया से मल्टीप्लाई किया मास, इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो इसका मास। अब एम वन आ गया एम टू आ गया, एक्स वन आ गया एक्स टू आ गया, तो लगाओ फॉर्मूला एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू बाई एम वन प्लस एम टू, सॉल्व करके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी क्या है पॉइंट जीरो जीरो को हम और उसका डिस्का भी ले सकते हैं। हाँ मान सकते हैं इसको भी जीरो जीरो मान सकते हैं। वैसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना उसमें गिवन होता है कि आप आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालना है, अगर स्क्वायर के सेंटर से निकालना है तो इसको ओरिजिन मानेंगे, अगर सर्कल के सेंटर ऑफ मास से निकालना है तो सर्कल को 0.0 मानेंगे, ऐसा होता है गिवन होता है, ठीक है ना, ठीक है ऑनलाइन। यस सर। अब जैसे क्वेश्चन में आपको दो पार्टिकल्स का मास बराबर गिवन है, आपको गिवन है v1 वेक्टर v2 वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर, और वो ये पूछ रहा है इस चीज को देखते हुए बताओ पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में सर्कल में एलिप्स में किस में, तो ये क्वेश्चन है। तो पहला आप एक काम करेंगे वेलोसिटी को देखते हुए आप पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें, तो मास बराबर है v1 वेक्टर v2 वेक्टर पुट करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, फिर a1 a2 को देखते हुए आप पुट करके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें। तो आपने एक चीज नोट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस j कैप है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास भी i कैप प्लस j कैप है, डायरेक्शन वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की सेम है, तो पार्टिकल किस में मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। पर अगर ऐसा हो क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन वेक्टर, जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर इसकी बजाय आ जाए 3/2 आई कैप माइनस जे कैप आ जाए, अब होगा क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे आएंगे, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में अगर ये परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है दे विल मूव इन अ सर्कल, क्योंकि सर्कल में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहां एक्ट करती है टुवर्ड सेंटर, और वेलोसिटी क्या होती है टेंजेंशियल, तो v और a में जब एंगल 90 होगा पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा हमेशा, रूल क्लियर है यहां तक, तो ऐसे चेक करना होगा स्ट्रेट लाइन या सर्कल, इन्हीं में से आंसर आता है, एलिप्स लुप्स नहीं आता इसमें, ठीक। अगला शॉर्टकट याद करो, अगर आपके पास कोई पुली है और दो मासेस m1 m2 हैं, ये रहा m1 m2 दो मासेस हैं, और मैं अगर ये बोलूं कि लॉज ऑफ मोशन से सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है, हमने लास्ट टाइम निकाल ली थी एक्सेलरेशन आ गई, अब मैं कहूंगा कि एक मास भारी है एक हल्का है, तो जब ये मूव कर रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास भारी मास की तरफ जाएगा, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में फॉर्मूला लगेगा, अब एक एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी क्योंकि डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहां से कॉमन आ गया ए, ए की वैल्यू यहां से यहां पुट कर लेंगे, फॉर्मूला नोट करें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, तो आज के बाद अगर एक पुली और दो मासेज हैं सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m का होल स्क्वायर इनटू g, ठीक। वो ये भी पूछ सकते हैं कि मान लो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन आ गई सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास ने t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सेंटर ऑफ मास के लिए लगाएंगे s = 0 + 1/2 at², तो एक्सेलरेशन पुट करके आंसर आएगा, ठीक। अगर आए तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है नीट और मेंस में, 3 स्क्वायर ब्लॉक्स देगा वो आपको, कोऑर्डिनेट्स देगा 4.0 0.0 0.4, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप इसमें काम करेंगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, इस स्क्वायर का सेंटर पे, इस स्क्वायर का सेंटर पे, तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या करेंगे पहले इनके सेंटर्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो, अगर ये 0.0 है ये 4.0 है और ये 0.4 है, ध्यान आगे, तो ये बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2 है, 2 का आधा कितना है 1 है, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका 1,
अगर ये वन है तो ये भी कितना है कोऑर्डिनेट, वन वन है। अगर ये टोटल डिस्टेंस टू है, टू प्लस वन कितना थ्री, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना थ्री। ऐसी अगर ये टू है, ये टू है, टू का आधा कितना वन, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना वन, यहां भी वन और यहां भी वन। तो अगर ये टू है, टू प्लस वन थ्री, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया एक्स का थ्री। तो अब कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मास तीनों का बराबर है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। तो निकाल लेना एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आनी ही आनी है, स्पेशली मेंस में, नीट में भी आती है। डिस्क में से जब डिस्क काट के फेंक दी तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया। ये इस शीट में से ना करना, लंबा मेथड है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम दो लाइन का शॉर्टकट बताऊंगा, कोई मर्जी कटिंग आ जाए, डिस्क में से डिस्क काट लो, स्क्वायर काट लो, दो लाइन में आंसर आएगा। तो इससे नहीं करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा ये इस टाइप की प्रॉब्लम। अभी ये प्रॉब्लम आती है क्या, कि अगर मान लो मास गिवन है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको क्या गिवन है, डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर मास कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में तो होगा नहीं, राइट साइड पे कहीं होगा। तो आपको बताना है कहाँ होगा। जब मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ये फॉर्मूला याद करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यानी कि टोटल मास, ऐसी वाई कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन से निकलेगा। जब पॉइंट मासेज ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, तो यही तरीका है सेंटर ऑफ मास निकालने का। कैसे यूज करना है देखो, मेरे को इस क्वेश्चन में सब कुछ एक्स एक्सिस में गिवन है, लेंथ आपको रॉड की एल गिवन है। तो आपने क्या करना है, आपको डीएम निकालना पड़ेगा। डीएम निकालने के लिए आपको एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मान लो आपने एक्स डिस्टेंस पे एक छोटी सी लेंथ का एलिमेंट लिया डीएक्स, जिसका मास कितना है डीएम, डीएम ले लिया, इसकी लेंथ डीएक्स है। डीएम निकलेगा कैसे, लैम्डा का मतलब क्या गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ, को लेंथ डीएक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया डीएम। तो आप लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर दें, डीएम आ गया, आंसर आ गया। इस डीएम को यहां और यहां पुट कर दें, ऊपर नीचे पुट कर दिया, इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स है, रॉड की लेंथ एल है, तो जीरो से एल, जीरो से एल इसे इंटीग्रेट करेंगे। बाकी तो नॉन मेडिकल वालों को तो आता है, मेडिकल में भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, के और एल कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स 4/4 और एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाई थ्री, तो पुट करना आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, मतलब इसमें मेन काम ही डीएम निकालने का होता है, जो कि लैम्डा इनटू डीएक्स रहता है हमेशा। तो इस शीट के बाद ठीक है, तो इसके अंदर एक शॉर्टकट और याद करेंगे। शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास M1, M2 दो मासेज हैं, पॉइंट मासेज हैं, इनका सेंटर ऑफ मास ये रहा। क्वेश्चन में अगर वो ये कहता है कि M2 D, जो M1 है वो D डिस्टेंस आगे आ गया टूवर्ड सेंटर ऑफ मास, तो बताओ M2 कितना डिस्टेंस आगे आए ताकि दोनों का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो, वहाँ का वहीं रहे जहाँ पर है। तो शॉर्टकट याद करेंगे, क्या शॉर्टकट है,
एम वन इंटू डी इज इक्वल टू एम टू इंटू डी डैश, एम वन इंटू डी इज इक्वल टू एम टू इंटू डी डैश। मतलब एक मैं और एक ये दो स्टूडेंट हैं, तो ये सेंट्रो मास ये रहा हमारा मान लो। अब क्वेश्चन है कि मैं अगर 1 मीटर आगे आया तो बोलो वो कितने मीटर आगे आए ताकि सेंट्रो मास यही रहे। तो अब मैं अपने मास को डी वन से मल्टीप्लाई करूंगा, वो अपने मास को डी टू से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, डी टू कैन बी कैलकुलेटेड। ये शॉर्टकट है, याद रहेगा यहाँ तक तो, ये याद रखना है आपने। इसके अंदर बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। जैसे ये रहा, दो ब्लॉक्स हैं, रो वन रो टू, लेंथ 2L है, तो एक ब्लॉक की लेंथ L और L है, स्क्वायर है। आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है इस O से, O से कॉर्नर से। तो O बता रखा है तो O को ओरिजिन मान लें। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये L है तो L का आधा कितना, L बाई टू। ये L है, L प्लस L बाई टू कितना, 3L बाई टू। तो इसका मास क्या होगा, रो वन गिवन है यानी कि मास पर यूनिट एरिया, इसका एरिया एल स्क्वायर है, तो इसका मास कितना रो वन इंटू एल स्क्वायर, इसका मास कितना रो टू इंटू एल स्क्वायर, लगा लेना एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू बाई एम वन प्लस एम टू, आंसर आएगा यहाँ से। ठीक, एक ना इसमें, हाँ ये बहुत ज्यादा चांस है मेंस में और नीट में कि ये फॉर्मूलाज के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आए, बहुत बार आया हुआ है पिछले साल भी, उससे 5-6 बार तो मेंस में मैंने देखा हुआ है, पुराने पेपर देख लेना खोल के, नीट में भी। पहली फिगर, अगर एक सॉलिड हेमिस्फेयर है उसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा, 3R/8। प्रूफ नहीं आपने करने, फॉर्मूला याद करना है 3R/8। अगर एक हाफ रिंग है, सेमी सर्कल रिंग है, तो ग्राउंड से हाइट क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, 2R/π। अगर एक सॉलिड कोन है, तो सेंटर ऑफ मास किस हाइट पर होगा, h/4, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन वर्टेक्स से पूछ लेता है, तो h माइनस एच पढ़ना पड़ेगा, वर्टेक्स से कि ग्राउंड से। नेक्स्ट है हॉलो कोन, h/3, ग्राउंड से। हाफ डिस्क, 4R/3π, ग्राउंड से, आधी डिस्क है। हॉलो हेमिस्फेयर, खाली हेमिस्फेयर है, R/2, ग्राउंड से। इन फॉर्मूला में से कुछ ना कुछ जरूर आ सकता है, ध्यान से एक बार देख लेना इसे, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन या आखिरी कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर, जिसमें ये पूछ बताया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत सिंपल रूल है, सपोज करो आपके पास एक M1 पार्टिकल है मूविंग विद V1, एक M2 पार्टिकल है मूविंग विद V2, M3 पार्टिकल है मूविंग विद V3, और ऐसे N नंबर ऑफ पार्टिकल है। क्वेश्चन है ऐसे लाखों पार्टिकल है, टोटल फोर्स बताओ क्या होगी सिस्टम पे। तो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, d/dt ऑफ सेकेंड का, d/dt ऑफ थर्ड का, एंड सो ऑन करते जाओ। ये तो बहुत लंबा काम है, अगर 1 लाख पार्टिकल हुए, 1 लाख फोर्सेस कौन ऐड करेगा। तो शॉर्टकट है, आप एक काम करें, आप ये बोलें सिस्टम का टोटल मास कितना है m, और सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है v, सेंटर ऑफ मास। तो इसकी जगह आप ये करेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। तो स्टेप समझ में आ रहा है, अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट करने की बजाय एक ही बारी में सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, आंसर आएगा। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो हो गई, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, मास वैसे जीरो से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, d/dt ऑफ v सेंटर ऑफ मास इज जीरो। मतलब या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसे लिखने से याद करने कुछ नहीं होगा, इसका सीधा एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक बॉम्ब है, बॉम्ब के दो टुकड़े हो गए, एक m1 v1 वेक्टर इधर चला गया, तो दूसरा m2 v2 वेक्टर से ऑपोजिट जाएगा ही जाएगा। बॉम्ब फटने से पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलो क्या थी, तो बाद में भी क्या रहेगी,
जीरो, चाहे बॉम्ब के जगह पे कुछ ना बचे, दो टुकड़े इधर उधर चले जाएं, तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां पर वो एक्चुअल था। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एम वन इंटू वी वन वेक्टर, एम टू इंटू वी टू वेक्टर बाय एम वन प्लस एम टू। मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू, तो इनका सम क्या होगा, नेट जीरो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वैसे भी जीरो आएगी। तो याद रहेगा कि कोई भी अगर बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल रॉकेट है, वो ये रास्ता फॉलो करता है बिना फटे, तो इसका एक्सप्लोजन नहीं हुआ रॉकेट का, तो सेंटर ऑफ मास ने ये रास्ता फॉलो किया, ये रहा। अब क्वेश्चन में ये कहा जाता है, मान लो ऊपर कहीं पे जाके ये रॉकेट फट गया, इसके टुकड़े टुकड़े ही हो गए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, तो आपने इमेजिन करना है कि इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हवा में वही रास्ता फॉलो कर रहा है जो बिना एक्सप्लोड हुए करता था, चाहे वहां पर कुछ नहीं जा रहा, तो भी आपने यही बोलना है सेंटर ऑफ मास यहीं पे आके गिरेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल की रेंज, रेंज पे आके गिरेगा, चाहे टुकड़े इधर उधर गिर जाएं, पर उन टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास वहीं गिरेगा जहां बिना एक्सप्लोड के गिरता था। इस पे एक बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल लास्ट ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 100 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया एट एन एंगल ऑफ कितना, 37। क्वेश्चन है कि जब ये प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो ये दो टुकड़ों में टूट गया, एम और 3m, इन में से एक स्मॉलर वन ड्रॉप्स, छोटे वाला टुकड़ा तो बिल्कुल नीचे ही जाके गिर गया, तो बोलो दूसरा टुकड़ा कहां गिरा। अगर ये टुकड़े ना होते तो सेंटर ऑफ मास ने कहां गिरना था, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, सेंटर ऑफ मास ने यहीं गिरना था, पर एक टुकड़ा यहां गिर गया एम, तो दूसरे को इसके आगे ही गिरना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास एम और 3m के कहीं बीच में आए। तो कहां गिरना पड़ा उसे, मान लो एक्स, तो अगर हम ये बोलें कि ये ओरिजिन है, तो पहले टुकड़े का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर बाय टू कॉमा जीरो, पहला टुकड़ा आर रेंज की मिड पॉइंट पे गिरा, दूसरा कहां पे गिरा, एक्स पे, और सेंटर ऑफ मास कहां पे गिरा, आर पे। तो ये देखो, एक काम करेंगे, पहले रेंज का फॉर्मूला लगा के रेंज निकाल लेंगे, जो कि 960 आ गई, आर की वैल्यू, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगाया, आर आ गया। अब एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 960, वो नहीं चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास तो 960 पे गिरेगा जहां पर रेंज है। पहला पार्टिकल एम गिरेगा मिड पॉइंट पे, रेंज का मिड पॉइंट 960 का आधा कितना है, 480, और 3m गिरेगा एक्स पे जो निकालना है, और टोटल मास m प्लस 3m, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 1120 मीटर आ जाएगी।